मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी। इधर दिल्ली में मेरे बड़े सारे मित्र हैं, उनमें एक मित्र हैं एडवोकेट हैं और एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं साउथ दिल्ली से। उन्होंने मुझे बातचीत में बताया कि वो कई उनके सारे मित्र हैं, जब चुनाव के समय वो गए थे तो वहाँ उन्हें एक दृश्य ऐसा मिला कि एक व्यापारी के यहाँ सभी लोगों के फोटो लगे हुए थे, जितने भी संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं या जो गॉड हैं, उसमें बुद्ध का फोटो नहीं था। तो उन्हें जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो बुद्ध की फिलॉसफी का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपने सबका फोटो लगाया है मगर बुद्ध का फोटो नहीं लगाया, जबकि बुद्ध को तो आप लोगों ने अवतार भी घोषित किया हुआ है, तो कम से कम आप अवतार घोषित करे हैं तो फिर अवतार घोषित का फोटो तो लगाते, बाकी सबका तो लगाया। तो थोड़ा सा व्यक्ति झेंपा और झेंपने के बाद उसने कहा कि हम बुद्ध को तो मानते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानते। उन्होंने पूछा क्यों, उसका जवाब उसने दिया नहीं जो व्यापारी था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए और बताइए कि ऐसा जवाब उसने क्यों दिया। हालांकि जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए जो व्यापारी महोदय हैं, क्योंकि सवाल भी उनका है, जवाब भी उनका है, मगर मैं विश्लेषण कर सकता हूँ, जवाब तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी व्यापारी वर्ग से रहा हूँ। देखिए, व्यापार जो होता है उसमें हमें सबकी भागीदारी चाहिए। हम व्यापार में वर्ण, जात या गोत्र या छोटा या बड़ा या ऊंच या नीच या काला या गोरा या सफेद, पीला, नीला, बीमार, मरीज, स्वस्थ है, ऊंची बिल्डिंग वाला, छोटी बिल्डिंग वाला, ये नहीं देखते। व्यापारी का जो धर्म होता है, व्यापारी का जो कर्तव्य होता है, वो है कि जो वो सामान बेच रहा है उस सामान का उसे मूल्य मिलना चाहिए और उसका सामान अत्यधिक बिकना चाहिए, हर साल दर साल बढ़ना चाहिए उसका व्यापार, उसकी जो दुकानें हैं वो बढ़नी चाहिए, उसका जो व्यापार है वो फैलना चाहिए, गांव में है तो शहर में और शहर में है तो शहर से बाहर और शहर से बाहर है तो फिर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में और देश में है तो विदेशों के अंदर भी। ये व्यापारी का क्षेत्र है, ये व्यापारी का धर्म है। तो कोई भी व्यापार करने के लिए, क्योंकि मान्यता तो व्यापारी की एक होगी, बहुत ज्यादा दो होंगी, क्योंकि सारी मान्यताओं को मानेगा तो व्यापार क्या करेगा। व्यापारी की पहली और आखिरी मान्यता होती है उसका माल बिकना चाहिए, उसे मुनाफा होना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं लाला, यानी लाला, ले ले नहीं बोलते, लाला, यानी ले ले बोलेंगे तो ले जाएगा। व्यापारी झाड़ू भी अगर लगाता है तो दुकान के बाहर नहीं लगाता, वो कूड़ा भी सकेटता है तो अंदर की तरफ सकेटता है, कहीं कोई सिक्का विक्का कोई सामान ना हो सब इकट्ठा करके चेक करके तब फेंकता है। और वो कहता है रात को जब दुकान बंद करता है तो कहता है दुकान को बढ़ा दे, कभी ये नहीं कहता कि दुकान को बंद कर दे, वो हमेशा कहता है दुकान बढ़ा दी मैंने, बढ़ा दी का मतलब मैंने और ज्यादा आगे कर दी है, बढ़ा दी का मतलब है वो और ज्यादा बढ़ गई है, एक्सपेंड हो गई है, फैल गई है, बढ़ गई है, मतलब कभी नहीं वो कहेगा ये नियम है कि दुकान में बंद कर रहा हूं, वो कभी अपनी दुकान बंद करने का सोच भी नहीं सकता, उसका धर्म है, उसका व्यापार है। तो अधिकतर खास तौर से जिन व्यापार के अंदर एक विश्वास का वातावरण होता है, जैसे दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर में चूंकि विश्वास का मामला बहुत ज्यादा है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पता नहीं वो प्रॉपर्टी खराब है अच्छी है, कोई फर्जी कागज ना हो, कुछ ना हो, तो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं वो लगभग सभी की तस्वीरें लगाते हैं। ऐसे ही जिन दफ्तरों के अंदर जहां कुछ लेन देन का मामला है, जहां रिश्वत का मामला है या जहां कोई कमीशन का मामला है, आप खास तौर से देखेंगे कि दफ्तरों में तो गॉड का, भगवान का कोई मतलब नहीं है, काम करो, सरकार है, सरकार के लिए तो सारे गॉड और सारे संत बराबर हैं, मगर लोग अपने अपने संतों का फोटो लगाते हैं। और बहुत सारे दफ्तरों में तो जो उनकी मान्यता के मंदिर भी हैं या स्थल भी हैं या स्थान भी हैं, क्यों हैं, क्योंकि पाप कर्म कर रहे हैं जानते हैं, तो पाप से बचने के लिए उन मान्यताओं का आशीर्वाद चाहिए। और जिन दफ्तरों में रिश्वत का या नंबर दो का या कोई ऐसा काम नहीं है जो हेरा फेरी का, उनमें तो आदमी अपनी फोटो भी नहीं लगाता, कोई वो लगाएगा तो क्या लगाएगा, छुट्टियों का कैलेंडर, तो ये देखता रहता है कि उसकी छुट्टी कब होगी, या देखता रहता घड़ी लगाएगा कि उसकी छुट्टी 5:30 कब बजे और वो अपने घर कब जाए।
तो ये एक मनोवृत्ति है कि एक विज्ञान है बेसिकली एक व्यापारी का। इसलिए व्यापारी कभी आपसे नहीं कहेगा कि मैं आपकी मान्यता नहीं मानता, वो कहेगा मैं आपकी मान्यता भी मानता हूं, आपको क्या पता वो क्या मानता है क्या नहीं मानता। जैसे एक अलग मान्यता का व्यापारी है, वो अपनी मानता है मगर वो बात सबकी करेगा, वो आपसे कभी नहीं लड़ेगा, वो आपसे जिरह भी नहीं करेगा, वो आपसे वो उसका मैटर नहीं है, वो उसका मामला नहीं है। व्यापारी का बिजनेसमैन का सिर्फ एक ही धम्म होता है कि जो सामान वो दे रहा है उसमें उसको प्रॉफिट चाहिए, अगर घाटा है तो फिर वो अधम हो जाएगा उसके लिए, घाटे वाला काम नहीं करेगा, फिर तो लेले वाला काम हो जाएगा, तो वो चैरिटी भी नहीं करता, वो अपने व्यापार में कहीं कोई ऐसा काम नहीं करता कि उसका व्यापार में और नुकसान हो। जो व्यापार में चैरिटी करता है वो संत होता है, व्यापारी नहीं होता। तो व्यापारी का तो एक ही नियम है, व्यापारी जब भी महामारी आती है, जब भी युद्ध होता है, जब भी देश पर आपदा आती है, व्यापारी की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, ये नियम है। व्यापारी तो दुगना व्यापार करते हैं, अगर कहीं भुखमरी हो जाए तो अनाज महंगा हो जाता है, कहीं शॉर्टेज हो जाए तो सामान महंगा हो जाता है, कहीं ज्यादा डिमांड हो जाए तो उस सामान को स्टोर कर लेते हैं ताकि महंगा बिके। व्यापारी मौकों की तलाश में रहते हैं, उनको देश से, उनको दुनिया से, उनको किसी मान्यता से, उनको किसी गॉड से, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक ही धम्म है व्यापार करना है, व्यापारी का धम्म है लाभ कमाना, यही उनको सिखाया जाता है, यही उनको बताया जाता है, यही उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके मन में बचपन से डाला जाता है। क्योंकि मैं एक व्यापारी परिवार से रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं, क्योंकि दुकान पे अगर आज बैठा है व्यक्ति और दुकान पे उसने आज 300 रुपए नौकरों की सैलरी में खर्च किए और 100 रुपए बिजली पे, तो 400 रुपए का नुकसान हो गया, और अगर उसने आज 600 रुपए कमाए तो उसने सिर्फ 200 रुपए कमाई बोलेगा कि आज 200 रुपए कमाए, 400 तो खर्च हो गए। या अगर उसका प्रॉफिट किसी चीज में 100 रुपए का है और उसने वो 50 रुपए के प्रॉफिट पर चीज बेच दी, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि 50 रुपए का फायदा हो गया, वो ये कहेगा आज तो 50 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि प्रॉफिट आना था 100 रुपए का, आया 50 रुपए का, तो नुकसान हो गया। यानी उनकी जो भाषा है वो भी इस तरह की है कि वो हमेशा मतलब कम प्रॉफिट को लॉस बताते हैं और लॉस करके गिनते हैं। ये भारत में व्यापारी ऐसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सुदत्त के टाइम में, भगवान बुद्ध के टाइम में, जब सुदत्त था, अनाथ पिंडक था, तो वो सबसे बड़ा व्यापारी सावित्री का था, मिलियनेयर बताते हैं उसको, अरबपति बताते हैं, कहते हैं उसने जैतवन की जो जमीन खरीदी वो सोने के सिक्के बिछा के जैतवन बिहार की जमीन खरीदी, इतना उसके पास में था। और जब उसे ये पता चला गया कि ये पैसा तो व्यक्ति के पास कभी रहता ही नहीं है, पैसा तो आना जाना है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां सेठ रही हों, ऐसी कोई पीढ़ी नहीं है, ऐसी कोई डायनेस्टी नहीं है, ऐसा कोई क्रम नहीं है पूरी दुनिया में जब कोई ये कहता हो कि उसके खानदान के खानदान के हजार खानदान से इतने ही करोड़पति हैं। ये करोड़पति और लखपति ना बहुत तेजी से बदलते रहते हैं, क्योंकि एक दुकान चलती है, कुछ समय बाद वो सामान की पुरानी हो जाती है, एक नई टेक्नोलॉजी आती है, फिर उस पर व्यापार चलता है, फिर कुछ हो जाता है, ये अदलता बदलता रहता है, कभी किसी में घाटा कभी किसी में फायदा होता रहता है, ये चलता रहता है। इसलिए अगर वो व्यापारी मान्यता को नहीं मानता है और वो ये कहता है कि मैं शिक्षाओं को नहीं मानता, मान्यताओं को मैं उनको मानता हूं, उनकी फोटो को तस्वीर को मानता हूं, तो वो बिल्कुल सच कह रहा है, मान्यता से उसका कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है, आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है।
अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम की सेवा में सहायक बने, धम आपको खूब लाभ देगा, धम आपको लाभ देगा, आप धम को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.